गाइस, मेरी एक्सपीरियंस से कस्टमर डिटेल्स नहीं रीड करते, फर्स्ट कुछ सेकंड कस्टमर आपके स्टोर को स्कैन करते हैं, और अगर स्टार्टिंग के कुछ सेकंड में उनको आपका प्रोडक्ट, प्राइस, ऑफर या कोई स्पेसिफिकेशन अट्रैक्टिव लगती है, तभी वो और कुछ और समय स्टोर पर स्पेंड करते हैं और डिटेल्स देखते हैं और उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए प्रोसीड करते हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो शॉपिफाई डॉन थीम या सिमिलर फ्री थीम्स में है। वैसे तो मैं आपको प्रीमियम थीम्स ही यूज़ करने को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी यूटिलिटी मिल जाती है, बट डॉन थीम भी आप काफ़ी जो बिजनेसेस है वो यूज़ करते हैं। तो हम अपने डॉन स्टोर पर परसेंटेज ऑफ किस तरह से लगाएंगे या जो ये सेल्स बैजेस को चेंज करेंगे परसेंटेज ऑफ में, वो देखेंगे। मैंने ये 3-स्टेप प्रोसेस बनाया है जिसमें आप बेहतरीन तरह से ये काम कर पाएंगे और साथ ही अपने परसेंटेज ऑफ बैच को एक, मैं कह सकते हैं कि अमेज़न इंस्पायर्ड शेप भी दे पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं आउटबॉक्स एड्स। तो चलिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप से। ओके गाइस, तो चलिए फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 3 स्टेप हैं उनको हम कम्प्लीट करेंगे। तो पहले स्टेप के लिए आपको अपने स्टोर पर आ जाना है, आपको अपने ऑनलाइन स्टोर पे आके थीम्स पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और मेक श्योर गाइस, अब आप अपनी जो थीम है अगर वो लाइव है तो उसको एक बारी डुप्लीकेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर फर्दर फ्यूचर में कुछ दिक्कत होती है या आपसे गलत मतलब अंदर से कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो आप उसको दोबारा से इस थीम को पब्लिश कर सकते हैं जैसे आपकी पहले वाली थीम थी। तो आप उसको डुप्लीकेट एक जरूर कर लीजिएगा जब भी आप कोई चेंजेस करते हो अपने थीम्स में। और मैं यहाँ डॉन वर्जन 8.0 थीम यूज़ कर रहा हूँ। 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट फॉर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक फाइल आप सर्च करेंगे, कार्ड डैश प्रोडक्ट। तो ये फाइल आपके सामने आ जाएगी और इसको आप क्लिक करेंगे, निबट फोल्डर के अंदर गाइस ये आएगी card.product.in। और यहाँ पे आपको कुछ सर्च नहीं करना है, मैं आपको लाइन वाइज बता दूंगा इसी तरह से। तो आपने यहाँ पे डाउन में आना है, जिसका आपको ये 132 नंबर लाइन पे आना है, तरह से 132 लाइन नंबर में आना है आपको। और हमें ये वाला कोड चेंज करना है, तो सबसे पहले हमारा जो है फॉर प्रोडक्ट कलेक्शन कार्ड के लिए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। और एक काम और कर सकते हो गाइस, आप जो ये वाला कोड आपको दिख रहा है ओरिजिनल कोड जो यहाँ पर है, उसको भी आप कॉपी कर सकते हो अपने नोटपैड पे इस तरह से, ताकि अगर कुछ आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है तो आप इसको रीपेस्ट कर पाए वहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ रखिएगा गाइस, सिर्फ 132 लाइन नंबर ही आपको यहाँ से रीपेस्ट करनी है इसको। तो मैं बैक स्पेस करके डिलीट कर दूंगा और यहाँ से पेस्ट कर दूंगा इसको। ये हमारी जो कोड वाली लाइन है वो आ गई है, इसको थोड़ा सेव कर दीजिए। अब एक बार स्टोर पे देख लेते हैं हम किस तरह से हमारे को नजर आएगा, उससे पहले इस फाइल को यहाँ से कट कर दीजिए और हम रिफ्रेश कर लेंगे। तो अभी गाइस देखिए, जैसे आपको यहाँ पे पहले सेल्स नज़र आ रहा था सिर्फ सेल, तो अब यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ नज़र आने लग गया। जो भी आपके प्रोडक्ट पे परसेंटेज ऑफ है तो वो आपको पेजेस शो करना शुरू कर दिए, जो अपने आप में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आप कह सकते हो यूज़र फ्रेंडली भी है और कन्वर्जन फ्रेंडली भी है। तो ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जैसे लग चुके हैं कलेक्शन कार्ड पर, तो अब हम अपने जो मेन प्रोडक्ट है वहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी देखिए गाइस, यहाँ पे सिर्फ सेल्स ही दिख रहा है, तो यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे हम। उसके लिए देखिए गाइस, फोर प्रोडक्ट पेज के लिए हमने सेकंड कोड बनाया है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे कोड को और अपने वही कस्टमाइज़र में जाएंगे, कोड कस्टमाइज़र में, और यहाँ पर आप फाइल सर्च करेंगे प्राइस डॉट लिक्विड, इसको क्लिक करेंगे फाइल को और यहाँ से आप में डाउन आ जाना है। और गाइस यहाँ पे आपको राइट यहाँ पे 88 नंबर जो फाइल है इसको आपको रिप्लेस करना है जैसे आपने पहले रिप्लेस करी थी, और जो हमने सेकंड नंबर पे कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको फाइल को यहाँ से सेव कर देंगे।
सेव करके हम से फाइल को कट देख करते हैं। जब आपको ये मैसेज आएगा, एसेट सेव्ड का मैसेज आ जाएगा। कोड पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, वो देखिए गाइस यहाँ पे भी जो हमारा परसेंटेज है वो सेल्स है वो परसेंटेज में बदल चुका है, और ये अब काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव भी लग रहा है अपने आप में। ओके गाइस, तो इस तरह से हम इसको अभी चेंज कर पाएंगे, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप इसको एक अमेजोन इंस्पायर्ड शेप कैसे दे पाएंगे, जो हमारा 39% ऑफ से जो बैकग्राउंड में आप शेप दे, अभी पिल टाइप शेप है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़िया शेप में देंगे, तो वो किस तरह से देंगे वो हमारा थर्ड स्टेप है। आपको थर्ड स्टेप बताने से पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका जो भी कमेंट जरूर करें गाइज आपका, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने के लिए, ज़्यादातर कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई देता ही हूँ। और साथ ही अगर आप अपना शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करवाना चाहते हैं, या ओल्ड स्टोर को न्यू करवाना चाहते हैं, मीन्स न्यू स्टाइल में आप करवाना चाहते हैं फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर, जहाँ मैंने आपको बताया कि आप इस तरह की शेप किस तरह से आप दे पाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, इसमें एक फीचर अभी शॉपिफाई ने खुद ही इंक्लूड किया है हमारे पास, तो हम उसका फ़ायदा उठाकर ये आपका जो शेप है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ये भी बताऊँगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है शेप, उसके लिए गाइज हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और अपने जो मेन हमारा कस्टमाइज़र है वहाँ पे आ जाएंगे, और इस कस्टमाइज बटन को क्लिक करेंगे। ओके गाइस, कस्टमाइजर में आने के बाद आप यहाँ पर जो थीम सेटिंग्स आपको नज़र आ रही है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप ऑल द वे डाउन चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको कस्टम सीएसएस का ऑप्शन मिलेगा गाइस, इसको आप ओपन कर लेंगे, और जो हमने थर्ड स्टेप से कॉपी किया था कोड वो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो ये गाइज हमारा जो कोड है वो पेस्ट हो चुका है, तो अभी हम देख लेते हैं किस तरह से आपको स्टोर पे नज़र आएगा। तो यहाँ से अभी हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए गाइज आपका जो शेप है वो चेंज हो चुका है, और ये शेप गाइज हमने इसलिए थोड़ा दिया ताकि अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जो पर्सन आपके जो हमारे विजिटर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी वेबसाइट्स पे जा चुके होते हैं और उसका एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, अमेजोन और जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है आपको पता ही है, तो जब उसको आपसे थोड़ा फैमिलियरिटी मिलती है आपके स्टोर से, तो वो काफ़ी फैमिलियर मतलब फील कर पाता है, वो उसको ऐसा नहीं लगता है कि ये मतलब कोई डिफरेंट चीज़ है या डिफरेंट वेबसाइट है या कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ से बाय नहीं करना है। तो आप जितना ज़्यादा सिमिलरिटी रखेंगे अपनी बड़ी वेबसाइट से, तो उतना ज़्यादा हमारे जो कन्वर्जन के चांसेस है वो बढ़ते हैं, और एट दी एंड जो हमारे कस्टमर है उनको हमने एक अच्छा यूआई एक्सपीरियंस देना ही होता है, तो उसके लिए ये बढ़िया मतलब अट्रैक्टिव लुक देता है। तो आपका जब कस्टमर इस पेज को स्कैन करेगा, तो डेफिनेटली सबसे पहले वो आपके प्रोडक्ट पेज के बाद एकदम यहाँ पे आपका जो ऑफ है उसके ऊपर ही उसकी नज़र जाएगी। तो ये आपका थर्ड स्टेप भी अब यहाँ से कम्प्लीट हो चुका है, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ही होम पेज पर हमारा किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे भी शेप चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ आ रहे हैं, देखिए ये देखिए गाइस इस तरह से शेप भी चेंज हो चुकी है गाइस, और ये परसेंटेज ऑफ में भी नज़र आ रहे हैं। बाकी गाइस जो ये हमारी इस फाइल है जो मैंने बनाई थी स्टेप, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो आप फॉलो करके ये फाइल ले सकते हैं।